गन लेके पूरे तैनात हैं यहाँ पे सिपाही यहाँ पे। तो वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम नाइट में अयोध्या घूमने के लिए आए हैं, तो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी न्यूज वाले भी हैं। और कौन कौन आ रहा है अभी आपको दिखाएंगे हम, किस तरीके से यहाँ पे म्यूजियम वगैरह लगे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पे कितने श्रद्धांजलु आए हुए हैं अयोध्या मंदिर राम मंदिर घूमने के लिए। तो वीडियो बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इस पेड़ पे भी लगाई गई है लाइट, देख सकते हो काफ़ी सुंदर लग रही है। और इधर देख सकते हो कितना व्यू मस्त आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो गिटार कितनी बड़ी है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़ारा है। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और आपको राम जी का रथ दिखाते हैं। देखिए काफ़ी सुंदर सजा हुआ है और भीड़ देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर नहीं। और ये राम जी का रथ है, तो दोस्तों देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से राम जी भगवान जी का रथ है ये। और ये देख सकते हो गिटार काफ़ी बड़ी है, जूम करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी गिटार है दोस्तों, देख सकते हो ये मोदी जी का, इनने मास्क पहन लिया है और काफ़ी लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं देखिए। और न्यूज़ वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो फिलहाल में ये पूछ रहे हैं न्यूज़ वाले किस तरीके से यहाँ पे तैयारी वगैरह चल रही है। और आप भीड़ देख सकते हो, नाइट का नज़ारा है ये कुछ इस प्रकार से। और इधर देख सकते हो ये भी यहाँ पे वैन खड़ी है न्यूज वाली, साइकिल से आए हैं भाई, चार साइकिल खड़ी हैं, काफ़ी दूर से इनने यात्रा करी है। तो अभी इनसे पूछताछ चल रही है यहाँ पे, मीडिया वाले इनसे पूछ रहे हैं कहाँ से आए हैं। देखिए सूर्य की तरह लाइट लगाई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है रोड पर। तो फिलहाल में आप देख सकते हो दोनों साइड में लाइट लगी हुई है। भैया से पूछते हैं, भैया कहाँ से आए हो आप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से आए। तो भैया कितने किलोमीटर चल के आए हो? लगभग 450 किलोमीटर। तो दो चार से पैदल यात्रा करके आए हैं यहाँ पे राम। तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके इनसे। तो इन पेड़ों पे लाइट इतनी अच्छी लग रही है, पीपल का पेड़ है और काफ़ी सुंदर लाइट लग रही है यहाँ पे। और काफ़ी नदी पे पहुँच चुके हैं, राम पेड़ी नदी इसका नाम है। अभी हमने फेरी वाले भाई से पूछा था, तो ये देखिए आपको नदी दिखाते हैं यहाँ पे। तो जय राम मंदिर में होके बीच में है के जा रही है, और जहाँ पे इसके दो गेट बंधे हुए हैं, पर अभी रात काफ़ी ज़्यादा है तो गेट दिख नहीं रहे। तीन गेट हैं इसके यहाँ पे, और जहाँ पे घाट भी बना हुआ है। और आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे घाट है, स्नान वगैरह कर सकते हो। उधर लाइट वगैरह भी चल रही है राम मंदिर में, जय नदी जा रही है यहाँ से होती हुई राम मंदिर के बीच में है के लिए। और काफ़ी सुंदर नदी बनी हुई है और काफ़ी प्यारे घाट यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप फिलहाल में देख सकते हो फिलहाल में कुछ इस प्रकार से। और जी देखिए काफ़ी यात्री लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ी आगे और आपको जाके दिखाते हैं। तो ये पलस्तर तो अभी हुआ है ताज़ा ताज़ा बिल्कुल, और अभी कर भी रहे हैं वहाँ पे, देखिए जूम करके हम आपको दिखाते हैं। और अभी साइड से हैकल कर रहे हैं यहाँ पे आगे घाट की तरफ, और न्यूज वाले काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल में आप देख सकते हो कि जे भी भैया शायद न्यूज वाले ही हैं। तो अभी जा रहे हैं इधर से, जय श्री राम। तो दोस्तों आ चुके हैं घाट पे, ऐसे काफ़ी घाट बने हुए हैं और आप देख सकते हो जहाँ पे ये जा रहा है जल, तो जल को छू लेते हैं ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार से नदी का जल छू लिया है, तो अभी आगे की तरफ और जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। दोस्तों पुल आ चुका है, अभी जहाँ से आके चढ़ के उधर साइड में जाएंगे, और जहाँ पे स्टेट भी बनना है वो भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से छोटा सा पुल बनाया गया है, तो अभी चलते हैं इधर आके। तो दोस्तों पुल पे आ चुके हैं बैराज पे, तो अभी यहाँ से चल के आपको थोड़ा सा मंच दिखाते हैं किस तरीके से सजाया है मंच। दोस्तों देख सकते हो जो अभी ये मंच बना है, यहाँ पे संगीत का प्रोग्राम है। और फिलहाल में आप यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टेज बनाया गया है, मंच बनाया गया है, और गंगा जी के बिल्कुल पास में ही, नदी के पास में ही बनाया गया है ये मंच। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इंडिया टीवी की लाइव चला रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी में सेटअप है इनका, अभी कर भी रहे हैं यहाँ पे। तो एक और स्टेट बन रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफी बड़ी स्टेट है, और यहाँ पे पानी में ताकत वगैरह भी पड़े हुए हैं, और रात में ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और अभी फिलहाल में देख सकते हो काफ़ी बड़ी स्टेट बन रही है, अभी तो तैयार हो रही है स्टेट बन के। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी आई है और वो कमांडो वाले हैं और स्नैपर हैं। तो देख सकते हो वहाँ पे जो आप देख सकते हो गाड़ी में थोड़ी सी शक्ल दिख रही होगी, बंदूक ताने हुए हैं यहाँ पे, और गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ से। तो दोस्तों देख सकते हो ये कार है, और आप देख सकते हो यहाँ पे गन लेके पूरे तैनात हैं यहाँ पे सिपाही यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, और न्यूज़ वाले वीडियो बना रहे हैं, और कार देख सकते हो कितनी भयंकर कार है। आदमी है न्यूज बन दिया।
दोस्तों अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हम टूर पे जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है और हम 6 जने आए थे घूमने के लिए यहाँ पे और अभी ट्रेन पीछे बैठे हैं और दोस्त हमारे तो अभी तो दोस्तों जय राम मंदिर का मेन गेट है अभी पूरा नहीं बना है अभी बनना है और जहाँ से एंट्री है तो अभी आपको देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ है और अभी कुछ लोग जा रहे हैं पर आज हम नहीं जा रहे। तो आपने देखा किस तरीके से अयोध्या सजी हुई है, पूरी सजावट हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है अयोध्या। और जय राम मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है दोस्तों। और ऐसी और वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाली है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है तो हम रूम पे जा रहे हैं और कल जाएंगे राम मंदिर तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से अंदर से राम मंदिर दिखता है और किस तरीके से सजाएंगे उस राम मंदिर को। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।